प्राइसिंग प्रैक्टिस पार्ट टू। फर्स्ट वर्ड है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम वर्ड है मतलब इक्वल। तो नॉर्मली यहाँ पे जितना कॉस्ट एंड प्राइस दोनों इक्वल आता है तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। और व्हेन देयर इज अ डिमांड एंड सप्लाई इक्वल, लोग जितना डिमांड कर रहे मार्केट में सप्लाई में उतनी है, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। बट हियर इक्विलिब्रियम फॉर द फार्म एंड इंडस्ट्री। फार्म एंड इंडस्ट्री मीन्स फार्म नॉर्मली स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए एंड द इंडस्ट्री फॉर द लार्ज स्केल के लिए। छोटा बिजनेस है दैट इज फार्म एंड लार्ज है तो दैट इज इंडस्ट्री। सो फार्म इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम होता है व्हेन देयर इज अ मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। और व्हाट इज अ मार्जिनल कॉस्ट, एवरी एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए कितना कॉस्ट है। से अगर कॉस्ट अदर यूनिट 10 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 120 रुपये लगा और 11 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 128 लगा, तो 10 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 120, 11 यूनिट प्रोड्यूस के 120, तो 11वां यूनिट बनाने के लिए 8 रुपये एक्स्ट्रा लगा। दैट 8 रुपये को बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। सो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। रेवेन्यू मीन्स द सेल्स। 10 यूनिट प्रोड्यूस करके सोल्ड किया था तो मैं 200 रुपये में, और 11 यूनिट सोल्ड किया था मैं 215 रुपये में। इसका मैं 11th यूनिट कितने सोल्ड किया मैं 15 रुपये में। सो दैट इज मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों इक्वल रहेगा उसको बोलते हैं फार्म इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम पोजिशन में। तब जब 208 होता था तो मार्जिनल कॉस्ट हो गया 8 रुपीज, मार्जिनल रेवेन्यू भी 8। व्हेन द मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल दैट इज इक्विलिब्रियम ऑफ द फार्म एंड इंडस्ट्री। एंड नॉर्मली फार्म इंडस्ट्री वो लोग के लिए प्राइस क्या होता है, प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू मीन्स टोटल रेवेन्यू अपॉन नंबर ऑफ यूनिट। टोटल रेवेन्यू मीन्स यूनिट से डिवाइड कर दो यू विल गेट द एवरेज रेवेन्यू। सो फॉर द फार्म एंड इंडस्ट्री इट्स सेड टू इक्विलिब्रियम व्हेन देयर इज अ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। और लोग के लिए प्राइस और रेवेन्यू रेवेन्यू दोनों इक्वल है। हाउ टू डिसाइड द प्राइस इन द मार्केट, मार्केट में प्राइस कैसे फिक्स करेंगे। इट इज डिटरमाइंड, डिटरमाइंड मतलब कैलकुलेटेड और फिक्स बाय मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। अगर मार्केट में डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई दुकान में कम है, पर होली था ट्रांसपोर्ट वाला सब्जी लेके आया नहीं रहेगा मार्केट में, तो परसों का जो सूखा उखा रहेगा वही बेचेंगे ये लोग, ओके ना। अब 20 रुपया पोलियो लगा भिंडी 60 रुपये बेचे रहेंगे, ऊपर से 8 बजे तक लॉकडाउन है तो तो 20 वाला 60 रुपये में दुख कस्टमर देख रहा है कि पोलियो लगा है, बट क्या करें, जो जॉब पे से 8 बजे पौने 8 बजे आ रहेंगे तो देंगे उनको। दैट इज मार्केट डिमांड। तो डिमांड ज़्यादा है मार्केट में स्टॉक कम है तो प्राइस विल इंक्रीज। और जब डिमांड कम हो और सप्लाई ज़्यादा रहे तो प्राइस विल इंक्रीज। ऐसे सिचुएशन है, सॉरी प्राइस विल डिक्रीज जब सप्लाई ज़्यादा हो, तो ऐसा कभी सिचुएशन आता ही नहीं। सो प्राइस विल डिसाइड अकॉर्डिंग टू मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। नेक्स्ट है अंडर द परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन इज लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर। बायर और सेलर का नंबर बहुत ज़्यादा है तभी ये परफेक्ट कंपटीशन है। उसमें फॉर्म जो होता है वो प्राइस टेकर होता है, नॉट द प्राइस मेकर। मतलब टेकर गाँव वाला टेकर टेम्पो नहीं। तो परफेक्ट कंपटीशन वर्सेस मोनोपोली।
मोनोपोली मीन्स सिंगल सेलर, परफेक्ट कंपैरिजन मेनी सेलर है। अब सिंगल सेलर अकेला दुकानदार है तो जैसे जैसे भाव में बेचो दे विल इंक्रीज द प्राइस, तो प्राइस मेकर है जो अपने हिसाब से प्राइस फिक्स करेंगे। या लार्ज सेलर है, बहुत सारे दुकानदार है तो दे आप तो मार्केट में बाकी लोग जो रेट ले रहे हैं वही रेट मेरे को भी लेना है, दैट इज प्राइस टेकर। अंडर द परफेक्ट कंपटीशन द फर्म इज अ प्राइस टेकर नॉट द मेकर। और परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, चारों इक्वल रहेगा। प्राइस इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू एवरेज मार्जिनल रेवेन्यू। अदर देन परफेक्ट कंपटीशन, अदर देन परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन छोड़ के रेस्ट ऑफ ऑल मार्केट में एकदम मोनोपोली है, मोनोपोलिस्ट मार्केट है, तो बाकी दूसरे मार्केट में फर्म फेस द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व मींस व्हाट, व्हेन द प्राइस इंक्रीज डिमांड डिक्रीज, अब व्हेन द प्राइस डिक्रीज डिमांड इंक्रीज, अपोजिट रिलेशन। तो परफेक्ट कंपटीशन छोड़ के बाकी सब में डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। सो ओपी प्राइस है, ओक्यू डिमांड। अब प्राइस मैंने ओपी वन कर दिया, डाउन कर नीचे कर दिया, प्राइस सस्ता हो गया, डिमांड ओक्यू वन, पहले ओक्यू था अब ओक्यू वन आगे चला गया, बढ़ गया, लड़िया डाउनवर्ड स्लोप। इसका मतलब परफेक्ट कंपनी छोड़ के बाकी किसी और मार्केट में अगर मैं प्राइस ज़्यादा करता हूँ तो लोग डिमांड कम करेंगे, प्राइस कम करूँगा तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो वैसे वैसा। इन मोनोपोलिस्टिक डिमांड का, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में, इन मोनोपोलिस्टिक मार्केट डिमांड का द फर्म डिमांड का इज इलास्टिक, इलास्टिक और से इन इलास्टिक। इलास्टिक मतलब लग्जरी आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे थोड़ा भी प्राइस कम हुआ, प्राइस 10% कम किया, डिमांड 20-40% बढ़ गया। दिवाली ऑफर, मोबाइल टीवी फ्रीज 10-20% डिस्काउंट होता है, और ऐसा होता है कि धनतेरस के सीजन में यानी पूरे साल का बिजनेस हो गया होता, तो डिमांड ओनली 10% डिक्रीज हुआ प्राइस, बट डिमांड 40-30% इंक्रीज, दैट इज लास्ट। मोनोपोलिस्टिक मार्केट के ऑलिगोपॉली मार्केट, कौन सा पॉली है, तो मोनोपोली का भाई है, मोनोपोली में का सिंगल सेलर और मिनी बायर, ऑलिगोपॉली में फ्यू सेलर है, फ्यू मतलब एक दो सेलर रहेंगे। इसमें प्राइस रिजिड, प्राइस रिजिड का मतलब था प्राइस को फिक्स करना कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि आपके साथ एक दो लोग जो कंपटीशन में आ रहे हैं वो क्या प्राइस रखने वाले, अगर आपने भाव बढ़ा दिया तो अनपढ़ कम कर दिए तो लोग कस्टमर से शिफ्ट हो जाएंगे, सो प्राइस इज कॉम्प्लिकेटेड। सो द नॉन प्राइस कंपटीशन इज टेक प्लेस, नॉन प्राइस कंपटीशन मतलब एडवर्टाइजिंग करो, लोगों को मार्केटिंग, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करो, तो प्राइस वही है, प्राइस 10 रुपये आपने भी रखा है, प्राइस 10 रुपये उसने भी रखा है, तो दोनों का सेम है, तो आएंगे क्यों आपके पास, उसके बाद क्यों नहीं जाएंगे भाई, तो आप अपने कस्टमर को ज़्यादा अच्छी सर्विस दे रहे हो, दैट इज नॉन प्राइस कंपटीशन। और ऑलिगोपॉली में प्राइस जो होता है वो एवरेज कॉस्ट के इक्वल होता है, नॉर्मली प्राइस जो होता है एवरेज रेवेन्यू के इक्वल होता है, अब यहाँ पर प्राइस जो है एवरेज कॉस्ट के इक्वल है, और जब आपका प्राइस एक के इक्वल होता है उसको वर्ड बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। व्हेन द प्राइस इज इक्वल टू योर एवरेज प्रॉफिट इट इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट। द
दे चार्ज द लेस प्राइस देन द एवरेज डॉलर। कभी कभी लोग क्या शॉर्ट रन यानी पहले चाहते आपकी मार्केट को थोड़ा कैप्चर किया जाए, थोड़ा कस्टमर पे बनाया जाए, तो ऐसे में बोलते मजबूरी में गधे को ही बाप बनाना। तो मार्केट में आपको अभी थोड़ा अपना जमाना है, तो आपको अपना प्राइस थोड़ा कम रखना पड़ेगा, थोड़ा लॉस भी लेके चलना पड़ेगा। तो दे चार्ज द लेस प्राइस देन एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट से भी लेस प्राइस टू रिमेन इन बिजनेस, बिजनेस में बने रहने के लिए। ठीक है, मैं उससे ज़्यादा चार्ज करूँगा प्राइस तो कस्टमर शिफ्ट हो जाएंगे। अगर आपको मार्केट मेंटेन करना है, बने रहना है, तो आपको अपना एवरेज कॉस्ट से प्राइस लेस चार्ज करना है, लॉन्ग रन तक नहीं शॉर्ट टर्म में। तो ये सब कुछ है मार्केट में हाउ द प्राइस विल बी चार्ज। पाउच कीजिए।